नमस्कार, मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में और उनके राशि परिवर्तन के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए मैं आग्रह करूँगी कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और अंत तक पूरी जानकारी लें। शुक्र का ये गोचर हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही कारगर रेमेडीज बताऊंगी, जिससे अगर कुछ राशियों के लिए अगर शुक्र का ये गोचर अच्छा नहीं है तो उसे कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज लेकर मैं आपके सामने आऊँगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करूंगी शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 मई को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि शुक्र एक जल तत्वीय ग्रह है और बुध ग्रह जो है वो वायु तत्वीय ग्रह है। अब जल और वायु का जब समागम होगा तो क्या होगा, हम सभी 12 राशि वाले लोग इससे काफ़ी प्रभावित होंगे। बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देखिएगा। तो अगर मैं शुक्र के संरचना की चर्चा करूं तो इन्हें ज्योतिष जगत में जल तत्वीय मानते हैं, इसे एक स्त्री ग्रह मानते हैं और साथ ही साथ हम देवताओं के गुरु जैसे बृहस्पति को मानते हैं, वैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मानते हैं। और शुक्र ग्रह असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ही इंगित करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शुक्र ग्रह को हम संगीत, साहित्य, भोग, विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विलासिता, ऑप्यूलेंस, लग्जरी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, 5-स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब के कारक ग्रह मानते हैं। शुक्र की कृपा हो तो व्यक्ति को पारिवारिक कलह का कभी सामना नहीं करना पड़ता, उसके सारे रिश्ते काफ़ी मधुर बने रहते हैं और सारी उम्र वो अपने परिवार की आंखों का तारा बनकर व्यतीत करता है। यह ज्योतिष जगत में सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं शुक्र का ये परिभ्रमण मिथुन राशि में कैसा रहेगा। शुक्र का ये गोचर, ध्यान देने योग्य बात ये है कि शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि में 28 मई से लेकर 22 जून तक रहेगा। ये एक करीब एक महीने का जो समय है वो 6 राशि वाले लोगों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखिए तो इसे आप बहुत तर्क संगत पाएंगे। तुला राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो तुला राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके नवम भाव में होने वाला है। नवम भाव आपके पिता का भाव होता है, आपके धर्म का भाव होता है, आपके भाग्य का भी भाव होता है। तो यहाँ पे शुक्र का गोचर जब होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आपके कोई पुराने प्रेमी लौट सकते हैं आपके जीवन में, वापस से आपका एक्स आ सकता है और आपके फ़ोन पे उसका मैसेज आ सकता है। इस तरह की स्थिति बन रही है, आप किसी बड़े अधिकारी के पद के लिए आपने कोई आवेदन किया था या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो उस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। किसी बड़े पोस्ट के आप पदाधिकारी बन सकते हैं, ये स्थिति बिल्कुल बन रही है। किसी भी काम को आप एक नई शुरुआत देना चाहते थे, या तो वो रिश्ते की बात हो या आपके ऑफिस के कार्य क्षेत्र की बात हो या किसी भी तरह की आप किसी काम धंधे के बारे में सोच रहे हो कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, आप कुछ लिखना चाह रहे थे, आप कोई बुक लिखना चाह रहे थे, तो ऐसे कार्यों के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। किसी भी नई शुरुआत के लिए आपको गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद रहेगा। आप बिल्कुल निसंकोच होकर उस कार्य को अंजाम दें, आपको सफलता मिलेगी।
आपके शादी के लिए भी एक बहुत अनुकूल समय है, बहुत शुभ समय है। आप अगर पहले से आप इस रिश्ते में हैं और आपको लगता है कि विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अनुकूल समय है। शुक्र का ये गोचर आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है, ऐसे किसी अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से जहाँ आपने सोचा नहीं था वहाँ से आपको लाभ की स्थिति बन रही है। आप इस तरह से ये शुक्र का गोचर आपके नवम भाव में मुझे लग रहा है कि आपके लिए खुशियों का भंडार लेकर आया है। ऐसे भी अगर मैं देखूं, तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं और शनि शुक्राचार्य के ही शिष्य रहे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही चल जाता होगा कि ये तुला राशि वाले लोगों के लिए कितना अनुकूल समय है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आप अचानक धन लाभ की स्थिति आपके लिए ज़रूर बनेगी। आपके जन्म की कुंडली में अगर थोड़ी भी स्थिति ऐसी है कि शुक्र अनुकूल हैं या आपको उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके रहिए, आपको एक धन लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। अभी हमने शुक्र के गोचर की बात की और कुछ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उतना अनुकूल नहीं है, तो ऐसे भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है तो आप बहुत सारे सुखों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शुक्र को अनुकूल करना हमें अपने जीवन में एक नई सफलता की ऊंचाई पे ले जाएगा। शुक्र को अनुकूल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, आप उसे कीजिए और आपको तुरंत फायदा आपको मिलने लगेगा। आपको तुरंत लगेगा कि ये बहुत इफेक्टिव, जो भी मैं बता रही हूँ उपाय, बहुत ही आपको प्रभावपूर्ण लगेंगे, बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय हैं। आप करके देखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा मिला। तो सबसे पहली बात कि ललिता सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। निसंदेह शुरुआत में आपको कुछ लंबा लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। और उसके बाद आपको हर फ्राइडे को भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहता है, शुक्र की कृपा आपको इतनी प्राप्त होती है। इसके अलावा धन संबंधी आपकी सारी चिंताएं दूर होती हैं। शुक्रवार के दिन आप अपने घर के ही मंदिर में लक्ष्मी माता के सामने घी का दिया प्रज्वलित करें, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है लक्ष्मी माँ का और शुक्र ग्रह का। इसके अलावा आप देखिए, शुक्र सुगंधी के भी प्रतीक हैं, तो आप या तो डेली या एटलीस्ट आप फ्राइडे को परफ्यूम जरूर लगाएं। अगर आपको सांस संबंधी कोई परेशानी है, बीमारी है, तो बिल्कुल अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है सुगंधी लगाने से, तो आप इससे परहेज करें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो आप एटलीस्ट डेली या फ्राइडे को आप परफ्यूम का उपयोग करें, आपके लिए शुक्र बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। घर के दक्षिणी हिस्से को आप साफ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन खास करके अगर आपको शुक्र को अनुकूल करना है तो आप अपने घर के दक्षिणी हिस्से को बिल्कुल साफ सुथरा और स्पार्कलिंग क्लीन रखिए। मनी प्लांट को आप लगाएं, घर के नॉर्थ जो उत्तरी हिस्सा है आपके घर का, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगाएं, इससे शुक्र बहुत मजबूत होते हैं। घर में आप दक्षिणी छोर पे या कहीं पर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर में कहीं पर भी एंट्रेंस पे आप जेड प्लांट लगाएं। जेड प्लांट जिसमें बहुत मोटी सी पत्तियां होती हैं और काफ़ी वो पानी अंदर भरा हुआ होता है, उस प्लांट को आप लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप कुछ उपायों को पालन करें, आपके जीवन में शुक्र की कृपा हमेशा बनी रहेगी और जैसा कि मैंने बताया, वो धन धान्य सुख शांति संगीत साहित्य पारिवारिक सुख ग्लैमर ऑप्यूलेंस सबके ग्रह हैं, सबके कारक हैं, सबके दाता हैं, आपको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें।
आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।